प्रताप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मैं आपके साथ सिमरन, चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक शहर इंदौर में आज भी मान्यता के नाम पर टोटके कर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब इंदौर के राव के ग्रामीण क्षेत्र में ये चर्चाएं जोरों पर है। बुधवार को भी इंदौर में अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक टोटका किया गया जिसे हर साल किया जाता है। इसी लिहाज से शहर के राव क्षेत्र के चौक से गधे को हार फूल पहनाकर रहवासियों ने उसका जुलूस निकाला और उसे शमशान ले जाकर उल्टी परिक्रमा कर लगाई। नागरिकों के अनुसार ऐसा बारिश की कामना के लिए किया जाता रहा है। आपको बता दें कि इंदौर में मानसून 15 जून के आसपास आ जाता है लेकिन इस बार 30 जून तक बारिश के आसार नहीं दिखे, लिहाजा ग्रामीणों ने परंपरा के अनुसार मान्यता को पूरा किया। लेकिन इस टोटके में राजनीति का टोटका भी कुछ लोग चमकाते नजर आते रहे। मध्य प्रदेश में हालात सामान्य होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। एक के बाद एक बैठकें लेकर अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज ने मंत्री अधिकारियों से कहा है कि निरंतर अध्ययन करें कि देश विदेश में कहां सुशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए। मुरैना जिले में मलेरिया ने दस्तक दे दी है। बारिश आने पर इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग के लिए जोर देना शुरू कर दिया है। बुधवार को विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर ML महुलिया 3 कस्बों में पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टरों से अधिक सैंपलिंग करने के लिए कहा। डॉक्टर महुलिया जिले के जौरा, पहाड़गढ़ व सबलगढ़ के अस्पतालों में पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि मरीज को मलेरिया है भी कि नहीं। इसके लिए अधिक से अधिक सैंपलिंग की जाए। जिस भी मरीज को बुखार हो उसकी सैंपलिंग करें, उसके बाद उसका इलाज किया जाए। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मानसून सिस्टम सक्रिय न होने से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हो चुकी है। उसके बावजूद 15 जिले अभी ऐसे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल सिस्टम सक्रिय न होने से बारिश की संभावना नहीं है। बादल छाने के साथ ही तापमान में इजाफा होगा। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी से परेशान आम लोगों को अब घरेलू गैस ने झटका दिया है। देश की तेल कंपनियों ने जुलाई के पहले दिन ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 25.50 रुपए बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये सिलेंडर अब 840.50 रुपए में मिल रहा है। इससे पहले फरवरी माह में रसोई गैस 100 रुपए प्रति सिलेंडर महंगी हुई थी। पिछले साल मई में 588 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था। भोपाल के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।